डांस प्लस प्रो के अंदर सुशांत खत्री हो चुके हैं इमोशनल। वेल दोस्तों अब बात करते हैं आखिर किस वजह से ये इमोशनल हुए हैं डांस प्लस प्रो के अंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीवी सफर सफाई। गाइस बात कर लेते हैं आखिर किस वजह से इमोशनल हुए हैं सुशांत खत्री डांस प्लस प्रो के अंदर। तो हुआ कुछ ये कि आशीष एंड हिमांशु का परफॉर्मेंस होता है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग होता है डांस प्लस प्रो के अंदर। और एंड होने के बाद रेमो सर बोलते कि सेम परफॉर्मेंस और सेम चीज़ें सुशांत खत्री के साथ हुई है, यानी कि जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था पूरा का पूरा सेम डिट्टो सुशांत खत्री के साथ हुआ था। और सुशांत खत्री बोलते हैं कि पिछले साल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, मेरे चार दोस्तों ने सुसाइड कर लिया था और ये ओवरथिंकिंग मुझे मारे जा रही थी और मैं बार बार लाइव आ रहा था इंस्टाग्राम अकाउंट पे और बार बार मैं कह रहा था कि मुझे हेल्प चाहिए और मैं लोगों को बता नहीं रहा था कि मुझे किस वजह से हेल्प चाहिए, लेकिन हाँ मुझे हेल्प चाहिए। और ये बताते बताते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वही रेमो सर इनको मोटिवेट कर रहे होते और बोलते कि पिछले साल जो हुआ तुम भूल जाओ, अब इस साल तुम्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना है और ये पुरानी बातों को भूल जाना है। और फाइनली सारे के सारे सुशांत खत्री को मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ सुशांत खत्री ने जो झेला है वो कोई भी नहीं झेल सकता है। वेल वैसे आपकी क्या राय है आप अपना ओपिनियन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही डांस प्लस प्रो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ।